खबर कानपुर से। बता दें कि राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के बैनर तले काकादेव स्थित बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले के आवास पर दर्जनों दिव्यांग खाट बिछाओ अधिकार दिलाओ का नारा लगाते हुए अपनी 9 मांगों को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे। काफ़ी देर सांसद का इंतज़ार करने के बाद बिना ज्ञापन दिए ही सभी दिव्यांग वापस लौट आए। वहीं राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने आरोप लगाते हुए बताया कि दिव्यांग अधिनियम 2016 सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों को कोटा, सभी को मिलने वाली पेंशन व निःशुल्क इलाज जैसी तमाम मांगों को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे थे। माननीय सांसद देवेंद्र सिंह भोले जी के यहाँ हम लोग गए थे और हमने 3 दिन पहले ही उनके कार्यालय में पत्र दे करके उनसे आज के लिए हम लोगों ने आने के लिए सूचना दे दी थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि माननीय सांसद जी आज पूजा में व्यस्त थे। 2.5 घंटे हम लोग धूप में तपते रहे, पहले उनके पीआरओ ने मिसबिहेव किया, उसके बाद वो निकले। हमें उम्मीद थी कि निकलेंगे तो हमारी बात सुनेंगे 2 मिनट में और हमारा ज्ञापन ले लेंगे और प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा देंगे, लेकिन वो निकले और उनकी जो टोन थी, जो भाषा शैली थी, वो हम लोगों को पसंद नहीं आई और इस तरीके से एक जनप्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए था। आप कह रहे हो कार्यालय आइए, अरे जब आप हमारे सामने खड़े हैं 2 सेकंड के लिए आपको हमारा ज्ञापन सुन लेना चाहिए, ले लेना चाहिए, उसके बाद आप अपना जनता से मिलते, हमें क्या दिक्कत थी। हम वहाँ धूप में तप रहे हैं, धूप से तपते तपते ये हुआ कि भाई पेड़ के नीम के पेड़ के नीचे छाई है जहाँ उनका आवास है, वहाँ हम लोग खड़े हो गए। तो अब वहाँ जब जा गए तो आप निकले और सीधे जो है गुंडागर्दी हो ये सब चीज़ें बताने लगे, ये ठीक नहीं है। एक जनप्रतिनिधि अगर जनता के साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो हमें लगता है कि ये ठीक नहीं, और इसके लिए उनको खुद मनन चिंतन करना चाहिए सांसद जी को कि उन्होंने क्या व्यवहार किया है। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने विधायक माननीय मैथानी जी को ज्ञापन दिया, उनके यहाँ हमने धरना दिया। क्या प्रमुख मांग थी आपकी? हमारी मांग है कि रिजर्वेशन कोटा सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों का पूरा होना चाहिए पूरे देश के अंदर, स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा की 100% गारंटी मिलनी चाहिए, रोजगार नौकरी की कोई बात ही नहीं कर रहा है, दिव्यांग बेरोजगार घूम रहे हैं, आयुष्मान योजना अंत्योदय योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तमाम मांगे थी हमारी। लेकिन जब सांसद जी सुने तब तो वो तो घर के दरवाजे से निकले और चले गए। ठीक है, आप चले गए तो हम भी चले आए, अरे हम सीधे प्रधानमंत्री जी को अपना ज्ञापन भेजेंगे, नहीं आप लेना चाहते हैं तो। और इस तरह का भी व्यवहार नहीं जनता के साथ होना चाहिए। आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने आपको वोट दिया है, आपको वोट दे के जिताया है, इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, बहुत दुखद है। और शायद सांसद जी इस घटना के बाद मनन चिंतन करेंगे, दोबारा पुनरावृत्ति ना हो ऐसा सोचेंगे।